सोमवार को विधानसभा में संसदीय लोकतंत्र और जन अपेक्षाएं विषय पर सेमिनार को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी पार्टी बीजेपी सहित सभी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के भीतर और बाहर सब जगह समस्या है, हर कोई दुखी है। एमएलए इसलिए दुखी है कि मंत्री नहीं बने, मंत्री बन गए तो इसलिए दुखी हैं कि अच्छा विभाग नहीं मिला, और जिन मंत्रियों को अच्छा विभाग मिल गया वे इसलिए दुखी हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और मुख्यमंत्री इसलिए दुखी हैं कि पता नहीं कब तक रहेंगे। गडकरी ने कहा कि जाने माने व्यंग्यकार शरद जोशी ने लिखा था कि जो राज्यों के काम के नहीं थे उन्हें दिल्ली भेज दिया, जो दिल्ली में काम के नहीं थे उन्हें गवर्नर बना दिया, और जो वहाँ भी काम के नहीं थे उन्हें एम्बेसडर बना दिया। भाजपा अध्यक्ष रहते हुए मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो दुखी ना हो। मुझसे एक पत्रकार ने पूछा, आप मज़े में कैसे रह लेते हैं? मैंने कहा कि मैं भविष्य की चिंता नहीं करता, जो भविष्य की चिंता नहीं करता वह खुश रहता है। तो राजनीति भी स्किल्ड है। समस्या सबके सामने है, पार्टी में समस्या है, पार्टी के बाहर समस्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी में समस्या है, परिवार में समस्या है, आजू बाजू में समस्या है, किसी को आगे ले जाओ तो वो बोलता है इसको टिकट दे दो, अकेले हटा दो, सब समस्या है। प्रॉब्लम किसके सामने नहीं है? एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो, किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं, वो चिंता। शरद जोशी करके हास्य व्यंग्य कवि थे, बहुत सुंदर कवि थे, शायद आप जानते होंगे, मैं उनका बहुत प्रशंसक रहा हूँ, लेखक थे भोपाल के। उन्होंने कहा था, एक सुंदर कविता की थी, जो राज्य में काम के नहीं थे उनको दिल्ली में भेजा, जो दिल्ली में काम के नहीं थे उनको गवर्नर बना दिया, जो गवर्नर नहीं बन पाए उनको एम्बेसडर बना दिया। अब राजनीति जो होती है सभी पार्टियों में ये चलता ही है, और मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था जिसका उल्लेख उन्होंने किया, मुझे कोई आदमी ऐसा मिला नहीं जो दुखी नहीं था। तो मैंने कहा कि दुख और समाधान मानने पे होता है, मैं बहुत सुखी हूँ। तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि यार तुम रोज रात को, मैं खाने का शौकीन हूँ, कभी ये खाता हूँ, कभी मैं अभी आजकल खुद शेफ का काम सीखता हूँ, कभी अलग अलग मेरे शौक है, सोशल वर्क करता हूँ, काफ़ी मैं अपने हिसाब से काम करते रहता हूँ। तो बोले आप बहुत खुश हो, आपको कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है। मतलब एक बात याद रखना, जो भविष्य की चिंता करता है वो दुखी होता है।